आप दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम केसी सिन्हा 10th क्लास का मैथ न्यू सिलेबस से चालू करने वाले हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आज एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट किया जाएगा केसी सिन्हा का मैथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने पर आधारित प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ यानी मसा को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 156 और 504। पहला क्वेश्चन है 156 और 504। ये केसी सिन्हा क्लास 10th का आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है 1.1 से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 156 और 504 का एचसीएफ यानी मसा को निकालना है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए जो होता है वो क्या होता है, बी से बड़ा होता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि a बराबर bq प्लस में r, a बराबर bq प्लस में r, a बड़ा होता है b से, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 504, तो 504 यहाँ पर लिखेंगे, b के जगह क्या लिखेंगे 156 लिखेंगे। अब इसको हम भागा देकर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 504 को 156 से भागा देंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 3 × 4 यानी 14 में से 8 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा 3, फिर 36 यानी हमारा शेषफल आ रहा है, कितना रहा है 36 हमारा क्या है रिमाइंडर यानी शेषफल आ रहा है, तो 156 मल्टीप्लाई 3 प्लस 36 ये हो गया, आर हमारा क्या है 36। अब जो यहाँ पर बी होता है उसको कहाँ ए लिया जाता है, तो ए ले लेंगे, फिर 36 से डिवाइड करेंगे, तो 36 से 156 को करेंगे आपका आ जाएगा 3×3 = 12, तो 4×6 = 24, 6×2 = 24, 6×4 = 12, 6×6 = 1 यानी कितना रहे 12 आ रहा है, यानी 36 × 4 प्लस रिमाइंडर कितना 12 आया, फिर जो भी है उसको ही बनाएंगे, तो 36 बराबर आर को भी बनाएंगे, तो 12×3 + 0 यानी मसल इक्वल टू, जब पूरा पूरा आपका रिमाइंडर 0 आ जाए यानी शेषफल 0 बच जाता है, तो आपका जो भी होता है वो क्या होता है आपका आंसर होता है। तो मसल यानी एचसीएफ इक्वल टू 12, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एचसीएफ यानी मसल 12 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, जब रिमाइंडर से साथ 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। केसी सिन्हा 1.1 का यह मैथ है और ये आज से हम चलते चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तब से आप इस क्वेश्चन है 135 और 225 पहला का दूसरा 135 और 225 ए बड़ा होता है बी से, यानी 225 क्या है बड़ा है 135 से, यानी ए का मान कितना है 225 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या बोलता है, तो बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 225, तो 225 इक्वल टू बी का मान कितना है 135, यानी 135 से भागा आपको देना है 225 में, तो एक बार भी जाएगा, मैं आपको भाग देकर दिखाता हूँ 135 यहाँ पर आएगा, ये आप घटाइएगा तो 0 और 9 यहाँ 90 आएगा, यानी रिमाइंडर आपका बच जाएगा 90। अब जो बी आता है उसको क्या बनाया जाता है ए बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 135, जो आ रहा था उसे बी बनाया जाता है, तो 90 प्लस 1 होगा, प्लस में आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 90 आएगा, फिर 45 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 45 × 2 = 90 होता है, रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो आपका इसका जो बी होता है वो क्या हो जाता है मसा हो जाता है, यानी इसका एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा 45, इसका मसा कितना होगा 45, इसका आपका आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का या तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्या है 455 और 42 का मसा निकालना है। पहला का तीसरा क्वेश्चन केसी सिन्हा का 1.1, तो 455 और 42 का निकालेंगे तो भागा देते हैं 42 से 455 में, कितने बार मिलेगा 10 बार मिलेगा, 420 होगा, यहाँ पर शेषफल आपका 35 बचा, तो यहाँ पर आप लिखिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 455 है, जो बड़ा होता है उसे ए करते हैं, बी कितना है 42 है, तो 42 × q, q मतलब भागफल कितना है, तो भागफल कितना है 10 है,
और प्लस आर आर कितना है 35 है, तो 35। अब यहाँ पर 42 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 35 गुणे एक और प्लस का आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब 35 यहाँ पर आ जाएगा तो 35 बराबर 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 गुणे 5 प्लस 0, जब से इसका 0 आ जाता है तो आपका मस प्राप्त हो जाता है, इसका मस कितना होगा 7, यानी मस बराबर 7, इसका क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इसे बनाया। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, तब तक आपका इस आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए पहला का चौथा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 8840 और 23120, ए बराबर कितना है, ए बराबर 23120 जो बड़ा होता है उसे ए मानते हैं, और बी बराबर कितना है, बी बराबर 8840 है। इसे देखिए अब क्या करेंगे, इसे भी ए बराबर बी के प्रसार यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बैठाएंगे, तो सबसे पहले भागा दे लेते हैं, यहाँ पर 8840 से भागा देना है 23120 में, तो 24 देखते हैं, दो से भागा देगा 0, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 6 गुना 8 गुना 16, 0 8 4 गुना 8, 8 गुना 16 6, 1 8 गुना 16 1 17, 0 की 0 12 में से आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 12 12 में से आ जाएगा 5, एक एक कट जाएगा, यानी 54 40 हमारा क्या है रिमाइंडर आ गया। तो देखिए आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू, क्या होता है तो भागफल होता है, आर क्या होता है शेषफल होता है, ए कितना है 23120, तो 23120 बराबर बी कितना है, तो बी भागा देना है 8840 से, और गुणा क्यू कितना है, तो क्यू होगा है आपका 2 आया है, आर रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर 54 40 कितना है 54 40। उसके बाद यहाँ पर एक क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो बी है उसको ए बनाएंगे, तो 8840 होगा, कितने से डिवाइड करना है, तो 54 40 से, 54 40 से कितना बार मिलेगा, एक बार मिलेगा, देखिए 54 40 से, 54 40 से भागा दीजिएगा 8840 को, एक बार मिलेगा 54 40, यहाँ पर लिखेगा 0 0, 8 में 4 यानी कितना आएगा, और 8 में 4 34 कितना आएगा प्लस में 3400 आपका ये रिमाइंडर आ गया। अब फिर बी को बनाइए 5440 बराबर, तो ये आपका भागा देना है 3400 से, 3400 हमें एक कीजिएगा 5440 से, 3400 से 3400 से भागा देना है 5440, तो एक बार में जाएगा 3400, तो 0 4 की 4 और यहाँ पर आ जाएगा 20 कितना आएगा 20, यानी 20 40 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। और फिर इसको बनाएंगे 3400 को, तो ये जाएगा 2040 से, गुणा कितना होगा एक होगा, प्लस कितना होगा, तो प्लस आपका यहाँ पर देखिए 3400 में से माइनस कीजिए 2040 को, तो 0 10 में से आ जाएगा 6 3 0 और ये 3 में हो जाएगा 1, यानी 1360 हो जाएगा, कितना आएगा 1360। फिर इसको बनाइएगा तो 2040 इक्वल टू 1360 गुणे एक प्लस 2040 में से कितना करना है 1360, 2040 में से माइनस करना है 1360, तो 0 14 में से जाएगा 8 9 में से जाएगा 6, यानी आपका बचेगा 680। फिर यहाँ पर 1360 में आपको 680 से भागा दीजिएगा, तो ऐसा दो बार में कट जाएगा, देखिए यहाँ पर देते हैं 680 से भाग देते हैं 1360 में, कितना में 1360 में, तो दो से ले जाते हैं तो 0 8 2 16 6 6 12 13, यानी दो बार में क्या हो रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो आपका जिससे आपका कटता है, जिससे आप भाग दे रहे होते हैं वो आपका क्या होता है आंसर होता है मस बराबर, तो यानी मस बराबर इसका आपका क्या हो जाएगा मस इक्वल टू इसका आंसर क्या होगा आपका, तो 680 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है जी, तो आपका इसका मस क्या हो जाएगा 680 हो जाएगा। देखिए थोड़ा लंबा गया है, लंबा जाएगा कुछ ऐसी मैथ आते हैं, दो नंबर में आपका पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, बच्चे हिचकिचाने लगते हैं, डर सा हो जाता है कि हाँ कहीं गलती बन रहा है सही बन रहा है, तो आप बनाते जाइए ढंग से तरीका से, आपका यह मैं जरूर सही बनेगा, एक समय आएगा जब आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।